चलें शुरू करें। तो क्या करना है हम लोगों को, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है, ठीक, केवल जस्ट लाइक फॉर्मूले टाइप से देखते हुए चीजों को निकालना है और जहां दिक्कत होगी वहां रोकना है, ये नहीं कि बस हां में हां मिलाते जाना। चलो देखो, फोटो बाद में खींचना, अभी एकदम केवल ध्यान देना है, अभी तुरंत स्पीड पकड़ लेंगे क्योंकि उतारने में रहोगे तो ध्यान नहीं जाएगा। चलिए, क्या याद रखना है आपको, ट्रांजिस्टर की डिफिनेशन नहीं, सीधे ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, एनपीएन और पीएनपी, सबको याद है, नहीं याद है तो याद रखें, लेफ्ट वाले को कहते हैं इमीटर, बीच वाले को बेस और दाहिने वाले को कलेक्टर। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में जो लेफ्ट सेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो इमीटर कहते हैं। यहां से नहीं उतारना नहीं है, बाद में उतारेंगे सीधे फोटो क्लिक करके, ठीक है, ध्यान हट जाएगा आपका, डाइवर्ट होगा। आइए, ई से क्या हो गया हमारा, इमीटर, बी से बेस और सी से कलेक्टर, हो गया। बाएं वाले को इमीटर, बीच वाले को बेस और दाहिने वाले को कलेक्टर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा ट्रांजिस्टर कितने लेयर डिवाइस है। तो देखो, एक एन लेयर, पी लेयर और एन लेयर, तीन लेयर का डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कितने जंक्शन है एन और पी के बीच में, ज्वाइंट, जंक्शन मतलब ज्वाइंट, एक एन टाइप का एक पी टाइप का, जुड़ा ना, एन को एन से जोड़ दोगे तब जंक्शन नहीं बना, लेकिन अलग अलग मटेरियल को जोड़ रहे हो तो जंक्शन बना, ज्वाइंट बना। तो एक जंक्शन एन और पी के बीच में, एक जंक्शन पी जाने, दो जंक्शन, लेयर एक दो तीन और टर्मिनल एक दो तीन, तो थ्री टर्मिनल, थ्री लेयर, टू जंक्शन डिवाइस, क्लियर इतनी बात। अब आइए अगले स्टेप पे चलें, दो वर्ड होगा, एक डॉपिंग, उसमें देखो जी साफ दिख रहा है, उसमें देखो तो, क्योंकि बाद में आप यही पढ़ोगे, तो सबसे ज्यादा डॉपिंग होती है इमीटर की, तब कलेक्टर की, तब बेस की, और विड्थ कलेक्टर, तब इमीटर, तब बेस। अब कहेगा डायमेंशनली, मतलब डायमेंशन के अनुसार सबसे ज्यादा डायमेंशन किसका होता है, कलेक्टर का। सबसे चौड़ा कौन होता है, कलेक्टर, देखो हमारे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, उससे कम चौड़ा इमीटर, और सबसे कम चौड़ा मतलब सबसे पतला थिन कौन होता है, बेस। डॉपिंग का मतलब होता है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योर मिलाते हैं, टेट्रावेलेंट में ट्राई या पेंटा मिलाते हैं। नॉर्मल डॉपिंग होती है 10 के पावर 1 एटम में एक इम्प्योर एटम मिलाना, क्लियर, इसी को कहते हैं डॉपिंग। ज्यादा डॉपिंग है मतलब ज्यादा इंप्यूरिटी आइटम मिला दिए, कम डॉपिंग है तो कम इंप्यूरिटी आइटम मिलाए। तो ज्यादा डॉपिंग किसकी, इमीटर की, तब कलेक्टर की, तब बेस की। अब यहीं पे एक चीज आप और रुकेंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करें, ये एमीटर का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सबसे कम होगा, क्या होगा, सबसे कम। क्यों भाई, डॉपिंग जब हाइवली है, ज्यादा डॉपिंग कर रहे हो, इसका मतलब ज्यादा इंप्यूरिटी एटम मिला रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो पुरानी चीज, कि अगर ये सिलिकॉन का एटम है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इसकी वैलेंसी क्या है, चार है, ऑक्टल पूरा करने के लिए चार बगल वाले से मिलकर ये अपना ऑक्टल पूरा किया हुआ है, और इसमें अगर हम सिलिकॉन को हटा के आर्सेनिक मिला दें तो उसके लास्ट ऑर्बिट में पांच, तो जैसे एक इंप्यूरिटी एटम मिलाए एक कैरियर डेवलप हो गया, क्लियर। तो अगर एक पदार्थ है, एक सेमीकंडक्टर, इसमें 10 इंप्यूरिटी एटम ऐसे मिलाओगे तो इसमें कितने कैरियर पैदा होंगे, 10। उतने ही बड़े टुकड़े में 20 इंप्यूरिटी एटम मिला दोगे तो क्या होगा, 20 कैरियर। तो जिसमें जितना ज्यादा कैरियर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, कैरियर मतलब ढोने वाला, ले जाने वाला। अब इसको ऐसे समझो, ये रूम है, पानी भरा है, मतलब ये इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, हम इससे जा
नहीं सकते, कोई पैर रखेंगे फच से पानी में गिर जाएंगे। लेकिन अगर इसमें हम ईटा पत्थर डाल दें तो तुम जा सकते हो, कैसे, पत्थर पे पैर रख रख के, क्लियर। अगर ज्यादा पत्थर डाल दिए जाएं, ज्यादा कैरियर हो जाए तो मस्त ढेर सारे आदमी एक साथ आगे चलेंगे, कम कैरियर होगा, कम पत्थर होगा, कम आदमी जा सकेंगे। इसका मतलब जिसकी डॉपिंग ज्यादा होगी उसमें कैरियर ज्यादा होगा, और जिस पदार्थ में कैरियर ज्यादा होगा, कैरियर मतलब करंट को ढोने वाला, जिसकी मदद से करंट जाएगी। बोलो, जैसे साइकिल में कैरियर तो लगेज कैरियर, लगेज ढोते हो, जिसके में बड़ा सा लगेज कैरियर होगा ज्यादा सामान ढो लोगे। बोलो, तो जिस लेयर में ज्यादा डॉपिंग इसका मतलब उसके पास कैरियर ज्यादा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम। बोलिए, बात समझ में आई। अब आइए तीसरी चीज पे, ट्रांजिस्टर के सिंबल पे चलें। ट्रांजिस्टर के सिंबल में देखें तीन लाइन होती है, तीन लाइन होती है, ठीक। इस दोनों लाइन को कहेंगे तिरछी लाइन, तिरछी रेखा। भाई तिरछी दिख रही है ना, तो स्पेशल क्या है, तो कौन सी कहेंगे, स्लांट लाइन, इंग्लिश में कहेंगे स्लांट लाइन, SLANT। तो कितनी स्लांट लाइन है, दो, क्लियर। इस लाइन को, ये जो सीधी लाइन है, इसको कहेंगे बार, क्या कहेंगे, बार, हो गया। बोलो भाई, अब आइए यहां, इन तीन में से ध्यान से देखो फिगर को, NPN, N में कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, इस N में कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें होल, तो इसका मतलब इमीटर भी N टाइप है, कलेक्टर भी N टाइप है, दोनों एक जैसा है, और ये P जो है अलग टाइप का है। अगर PNP ट्रांजिस्टर में देखें, इसमें कैरियर होल, ये इलेक्ट्रॉन और कैरियर होल, बाएं वाला इमीटर, बीच वाला बेस, दाहिने वाला कलेक्टर, तो क्या देख रहे हो, एमीटर और कलेक्टर एक जैसा, एमीटर और कलेक्टर एक जैसा। तो यहां इसके सिंबल में एक जैसा कौन है, तिरछी लाइन वाला या बार, तिरछी लाइन वाला। इसका मतलब तिरछी लाइन में से एक एमीटर होगा, एक कलेक्टर होगा, बचा कौन, बेस। तो हमेशा ये सीधी लाइन वाला बेस होता है, इसमें से एक एमीटर एक कलेक्टर। लेकिन होता क्या है, जिस पे एरो तीर का निशान होता है वह होता है एमीटर। तो इन दोनों तिरछी लाइन में से एक पर हम तीर का निशान बना देते हैं, एरो, क्या बना देते हैं, एरो, एरो मतलब क्या, तीर। तो जिस पर तीर का निशान रहेगा वह एमीटर हो जाएगा और दूसरा वाला कलेक्टर हो जाएगा। और ये एरो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये एरो क्या बताता है, तो ये एरो करंट की दिशा को बताता है। क्या बता रहा है, करंट ऐसे बाहर निकल रही है, एरो करंट की दिशा को बता रहा है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये सिंपल हिंदी में दिमाग में रखिए, अपने आप ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर कहीं गलती से ऐसा फिगर बन गया, देखिए, तो ये तो बेस हो गया, इन दोनों में एक कलेक्टर और एक इमीटर, जिस पे एरो है वह इमीटर, दूसरा वाला कलेक्टर, क्योंकि एरो उस पे बना था। लेकिन दोनों में क्या अंतर देख रहे हो, इसमें एरो बाहर की ओर है, इसमें एरो अंदर की ओर। तो अगर एरो बाहर की ओर है तो NPN ट्रांजिस्टर, एरो अंदर की ओर है तो PNP ट्रांजिस्टर। अब इसका नाम कैसे होगा, NPN, तो निश्चित तौर पे NPN, एमीटर और कलेक्टर NPN, शुरू कहां से करेंगे, NPN, यहां शुरू करो NPN, इसमें क्या होगा PNP। तो यहां पे तीन ऑब्जेक्टिव, वह स्लांट लाइन जिस पे एरो होता है वह क्या होती है, एमीटर होती है। एरो हेड बाहर की ओर है तो अवे फ्रॉम बार, बार से बाहर की ओर है तो NPN, और टुवर्ड्स द बार है PNP होगा। क्लियर, समझ रहे हो ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया इसका सिंबल, और इस सिंबल पे ऑब्जेक्टिव। बढ़े हम आगे, चलिए इतने का फोटो खींचिए आप, पहले जल्दी कीजिए, जैसे कि इसी को देख देख के जवाब दीजिएगा जब पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, तो एक बार सुनेंगे दोबारा जवाब देंगे, थोड़ा फास्ट। एक आदमी खींच लीजिए, ग्रुप में भेज लीजिएगा, चलें, नहीं तो हट जाएगा तो दिक्कत होगी। आगे बढ़े हम, आखिर में इस ट्रांजिस्टर का यूज, कम से कम एक यूज भी जाने कि इस ट्रांजिस्टर का यूज हम क्यों करते हैं, कहां करते हैं, क्या करता है ये ट्रांजिस्टर। तो देखो, अगर ये ट्रांजिस्टर बना दिए N, P और N, तो आप कहते हो ट्रांजिस्टर से एक काम हम ले सकते हैं, देखना अप्रॉक्स शुरू किए 30 मिनट्स हो जाने तो बता देना, इसको बंद करना होगा नहीं तो वीडियो कट के हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, तो ऑफ कर, कहाँ गया वो, ऑफ कर देना, ठीक ना,
रिजेक्ट थीस पे। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं माइक के सामने बोलते हैं, तो इस माइक में एक करंट बनती है जिस करंट को हम कहते हैं सिग्नल, कहते हैं बता चुके हैं। इसका मतलब ये सिग्नल स्पीकर को दे दें तो ये स्पीकर क्या पैदा करेगा, तार, बोलो साउंड पैदा करेगा। तो इसी के इस तार को ले जाके हम क्या कर दें, इस तार से जोड़ दें, बोलिए। इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर हमको कोई एक ऐसा डिवाइस लगाना है जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, कह दें यही हमारा एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर में कितना तार होना चाहिए, दो इधर होना चाहिए था, दो इधर होना चाहिए था, होना चाहिए था। सहमत हो हमारी बात से? और इस बेचारे के पास ये जो ट्रांजिस्टर है आपके पास, इसके पास केवल और केवल कितने टर्मिनल है, तीन टर्मिनल है, तीन तार है। अगर ये एम्पलीफायर है तो इसके पास कितने तार होने चाहिए, चार, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां करते हैं जुगाड़। क्या जुगाड़ करेंगे, देखो ये एक हो गया, एक ये हो गया, ये वाला जो तार है इसको इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे, मतलब इनपुट साइड में भी कर देंगे और आउटपुट साइड में भी कर देंगे। क्या मतलब है इनपुट और आउटपुट करने का, मतलब जो हमारे माइक से साउंड आएगा, तार आएगा, ये तार यहां दे देंगे, हो गया। और जो एम्पलीफाई होके निकलेगा वो स्पीकर को, दो तार होगा, ये दो तार कनेक्ट हो जाएगा, जो सिग्नल आएगी उसको एम्पलीफाई करेगा। तो कितने तार होने चाहिए, चार होने चाहिए, सहमत हो ना? Yes। चलो सो नहीं बेटा, अभी आप ही से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चार तार होने चाहिए और हमारे ट्रांजिस्टर के पास कितने तार हैं, तीन तार, NPN हो या PNP हो, तीन ही तार हैं। तो हम लोग एक दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, एक तार को दोनों तरफ करा देते हैं। जैसे बच्चा में मान लो चार खिलाड़ी हो, दो इधर दो इधर, छह खिलाड़ी हो, तीन इधर तीन इधर, और सातवां भी आ गया तो छोटा सा बच्चा पांच साल का, तो दूध भात कर देते हो, वो दोनों तरफ रहता है, बोलो, उसका कोई स्कोर काउंट नहीं करते हो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक इधर है और एक इधर है, हो गया ना, अभी बचा, इधर हो जाएगा तो दो को इधर हो गए, उधर हो जाएगा तो दो को उधर हो गए, तो इसका कर दो, क्या कर दो इसका, बोलो जल्दी, इसका दूध भात कर दो, ये दोनों तरफ हो गया, किधर हो गया, इनपुट के तरफ भी और आउटपुट। इसका मतलब ये देखो, लेफ्ट वाला एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, तो ये एमीटर वाला तार इनपुट में आया, कलेक्टर वाला तार आउटपुट में गया, और बेस वाला तार दोनों तरफ हो गया, मतलब बेस वाला तार कॉमन है, क्लियर। अगर हमारा एक्स के साथ भी टू है और y के साथ भी 2 है, तो आप क्या कहते हो, 2 जो है दोनों में कॉमन है, बाहर ले सकते हो, कॉमन का मतलब दोनों में मौजूद होना। तो बताइए, बेस वाला तार दोनों में मौजूद है ना, तो अगर ट्रांजिस्टर की सर्किट इस तरह की बना दोगे तो उसको कहोगे कॉमन बेस, क्या कहोगे, कॉमन बेस। उम्मीद है दिमाग में बैठ गया होगा कॉमन बेस क्या कहलाता है। चलें आगे, बढ़े हम, आइए, तो ये हो गया हमारा कॉमन बेस। अब अगर हमको यहीं पे बनाना है कॉमन, अच्छा क्यों जबरदस्ती है बेस वाले को कॉमन करें, हाँ मान लो ये तीन गो लड़की है, ये तीनों को खेलेगी, और इसको कह देंगे इसका दूध भात है, कहेंगे हमारा दूध भात कहे, उसका दूध भात करो, होगा लड़ाई भाई, तो एक तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, अच्छा अबरी बार तुम्हारा दूध भात, उसके बाद इसका दूध भात, तो एक बार बेस को कॉमन किए हो तो ऐसा भी तो कर सकते हैं एमीटर को कॉमन। अब तुम केवल फिगर में सोचो, जिसको कॉमन करना है उसको नीचे बना दें, पलट के बना में, तो सर्किट ज्यादा आसान लगेगी। तो यहां पे अगर कर दिए तो ये देखो एमीटर हो गया हमारा कॉमन, हो गया कॉमन, हो गया। और तीसरा है कलेक्टर को कॉमन कर दें, CBE, देखो सो नहीं रहा है, क्या नाम है उसका, नीतीश पे ध्यान रखना तुम लोग को, कॉमन कलेक्टर हो गया। चलिए इतनी बात बन गई, अरे उसी को ना घुमा घुमा के किए हैं हम, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कॉमन इमीटर, ये कॉमन कलेक्टर हो गया। इसमें तीन करंट होगी, जो एमीटर की करंट होगी उसको कहोगे एमीटर करंट, जो बेस में बहेगी उसको बेस करंट, और जो कलेक्टर में बहेगी उसको कलेक्टर करंट। तीन तार है, तीन तार है, तीनों तार में कुछ ना कुछ करंट बहेगी, तो तीनों तार का नाम अलग अलग है, तो तीनों में बहने वाली करंट का नाम भी तो अलग अलग दोगे, बेस में बहने वाली करंट बेस करंट, कलेक्टर में बहने वाली करंट कलेक्टर करंट, एमीटर में बहने वाली करंट एमीटर करंट नाम दे दिए। चले आगे बढ़े, अब देखो इन करंटों के अनुपात होते हैं, जो IC और I करंट, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का अनुपात होता है उसको अल्फा कहते हैं, नाम है।
अरे भैया किसी दो के रेशियो को कुछ कहते हो ना तुम? Yes. बल और क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हो, बोलो। Yes. तो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट के अनुपात को अल्फा कहते हैं, कलेक्टर करंट और बेस करंट के अनुपात को बीटा कहते हैं, और कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और बेस करंट के अनुपात को गामा कहते हैं। ठीक सुधीर, तुमको साला है, और तुमको साला मतलब तुम्हारा साला मतलब तुम्हारे भाई का साला भी तुम्हारा ही साला कहलाएगा, है ये न है, पूरा गांव एक खाली है। अच्छा गांव में ऐसा हो ही आता है लड़का कि कोई लड़का आया था आप अरे कुटुम आइए सार बहन वही फरियाते हो, ऐसा कोई नहीं है। चलो है ये नहीं गया खत्म। चंदन तुम्हारे है भाई का साला है, मान लो तुम्हारा साला है और तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारे कोई जीजा जी होंगे, बहन वही होगा और तुम, तीन आदमी। कौन कौन? तीन आदमी, चंदन हो गया, चंदन के, अच्छा चलो पहले साला का साला हो गया और चंदन के जीजा जी हैं, तीन आदमी हैं। ये तीन अलग अलग आदमी हैं, ठीक। अगर ये तीनों आदमी चंदन के साले के घर में गए पार्टी करने के लिए, तब तक एक उधर से कोई अनजान आदमी आया, पूछा घर का मालिक कौन है भाई, तीनों मौजूद हैं, कौन जवाब देगा? देगा? यही तीनों आदमी उठ के चंदन के जीजा जी के घर चले जाए तो पूछेगा घर का मालिक कौन है, और चंदन के यहां आ जाए तो कंफर्म, कंफर्म हो मेरी बात से। आइए, इसका मतलब ये किसी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बपौती नहीं है। बहुत से लड़के रट्टा मार लेते हैं कॉमन बेस में अल्फा होता है, कहते हैं कॉमन बेस में अल्फा होता है, कॉमन बेस में अल्फा नहीं होता है। चंदन अपने घर में भी पाया जा रहा है, साले के घर में भी पाया जा रहा है, अजीजा जी के घर, अपने घर में वो मालिक है, बाकी के घर में मालिक नहीं है। लेकिन यहां पे भी अगर ध्यान से देखें कि कितनी प्रकार की करंट, तीन प्रकार की। चलिए इसको एक्सप्लेन करने के पहले एक चीज हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो, कोई भी मतलब एनपीएन या पीएनपी, ठीक, चाहे वह कॉमन बेस में कनेक्ट हो, चाहे वह कॉमन एमिटर में कनेक्ट हो, चाहे वह कॉमन कलेक्टर में कनेक्ट हो, फिक्स है उसमें आईई बराबर आईबी प्लस आईसी होगा, एमिटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होगा ही, ठीक है। मतलब एनपीएन पीएनपी दो प्रकार, फिर तीन तरीके से जोड़ सकते हैं, कॉमन बेस करके, कॉमन एमिटर करके, कॉमन कलेक्टर करके। फिर आगे पढ़ोगे एक चैप्टर आता है बायसिंग, मतलब सिग्नल देने के पहले इसको कुछ डीसी वोल्टेज देना पड़ता है, अगर हमको इसको एम्पलीफायर बनाना है तो सिग्नल देने के पहले कुछ डीसी वोल्टेज देना पड़ता है, उसी को कहते हैं बायसिंग। तो वह डीसी वोल्टेज देने का कई प्रकार का तरीका होता है, बेस रजिस्टर मेथड, वोल्टेज डिवाइडर मेथड, एमिटर फीडबैक मेथड, दुनिया भर का तरीका। तो ट्रांजिस्टर हमारा किसी भी तरीके से जुड़ा रहे, ठीक, लेकिन ये फिक्स है कि एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट सब में होगा, ये कहीं फेल नहीं होगा। बढ़े आगे, आइए गौतम, एक बिजनेस शुरू किया गौतम, 10 रुपए का सामान लाया, 20 रुपए में बेच दिया, बस गौतम कितने का फायदा हुआ तुमको, गौतम बताएगा? गौतम गड़बड़ कर दिए तुम लोग बोल के, जनरली लोग जवाब दे देते हैं 10 रुपए का फायदा, जनरली लोग जवाब देते हैं 10 रुपए का फायदा। तो अगला क्वेश्चन होता है कि अगर 1 लाख रुपया उस बिजनेस में लगा दिया जाए तो क्या 1 लाख 10 रुपए मिलेगा? नहीं, 10 रुपए का माल 20 में भेजा, तो जनरली हम लोग देहात के भाषा में कहते हैं हाई बिजनेस में दुगने का फायदा है, तिगुने का फायदा, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, मतलब 10 का लाए 20 में बेचे, तो व्हाट इज दिस आउटपुट, ये क्या है इनपुट, इतना पैसा लगाए थे इतना मिला, तो यहां गेन, गेन माने फायदा, तो गेन कितना होगा, आउटपुट बटा इनपुट, 20/10, दुगने का फायदा है, इसका मतलब 1 लाख लगाएगा तो 2 लाख कमाएगा, 2 लाख लगाएगा तो 4 लाख कमाएगा। क्या ट्रांजिस्टर में कुछ है यार, कुछ है ये नहीं है, कुछ आदमी का नाम ताम जान लेना है, मुंह कान बना लेना है, बस बोले कि स्पेशल ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे। आइए देखिए ये कौन सा बना है, कॉमन बेस, कॉमन बेस। ट्रांजिस्टर कौन सा बना है, एनपीएन, अगर दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, एनपीएन, फिगर नहीं मिटाएंगे, एनपीएन। एक सिंबल पढ़े थे, देखना होगा तो अपने मोबाइल पे देख लेंगे, फोटो खींचे हैं आप, सिंबल पढ़े थे, जिस ट्रांजिस्टर में
एरो किस पे होता है? इमीटर पे। किसको बताता है? करंट की दिशा को। एरो होता है इमीटर पे, किसको बताता है? करंट की दिशा को। अगर ये एरो बाहर की ओर हो, एनपीएन, ये एरो बाहर की ओर कर दे, यही ना इमीटर है, तो इसमें क्या होगा? एरो बाहर की ओर होगा, बोलो, एमीटर करंट हो गई बाहर की ओर। फार्मूला कहता है इनकमिंग करंट, इन कमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, या आउटगोइंग करंट बराबर इनकमिंग। अगर ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, तो आईबी और आईसी क्या होंगे? इनकमिंग होंगे। इसका मतलब आईबी इसमें घुसेगी और आईसी भी इसमें घुसेगी। क्लियर? कॉमन एमीटर में चलें। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। एरो किस पे होगा? एमीटर पे। किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। तो ये एमीटर था, तो इसमें बहने वाली करंट एमीटर करंट। किधर निकल गई? बाहर। तो बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर घुसेगी। ठीक, आइए कॉमन कलेक्टर में देखें। एनपीएन है, एरो बाहर की ओर, एमीटर करंट बाहर की ओर, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर की ओर। हो गया। इन तीन सर्किट में भी हमको गेन निकालना है। इन तीन सर्किट में भी गेन, किस चीज का गेन? करंट का गेन। तो गेन को हम ए सिंबल से दिखाएंगे। ए आई लिख दिए तो करंट गेन, करंट गेन। ए बी लिख दिए तो वोल्टेज गेन, और ए पी लिख दिए तो पावर गेन। क्लियर? चलिए इसका करंट गेन निकालें। तो ध्यान से देखो, ये सर्किट इनपुट सर्किट होती है और ये आउटपुट होती है। सब में इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, लेफ्ट साइड इनपुट, राइट साइड आउटपुट। तो करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। रटने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए इसमें करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट कौन? आईसी। इनपुट करंट कौन? आईबी। होगा, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा रुक के लेते हैं, दो मिनट रुको।